ओके गाइस, तो मैं सागर बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिस्टम। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के एक ऐसे ऐप के बारे में जो कि काफ़ी एडवांस है व्हाट्सएप से, और जिसमें आपको फीचर्स की भरमार मिलने वाली है जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और एडवांस्ड लगने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं सारे फीचर्स की इसमें बात करूँगा कि उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस प्रकार आप उस व्हाट्सएप के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, कहां से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले से ही मैंने मेरे YouTube चैनल पर WhatsApp से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक, उन सब वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और साथ साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि और भी ऐसे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले से ही इस व्हाट्सएप के वर्जन को डाउनलोड करके रखा है। इसका एक इंटरेस्टिंग का फीचर आपको सबसे पहले दिखाई देने वाला है। अब जब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज और अब ओपन करता हूँ, तो सबसे एडवांस फीचर यहाँ पे दिखने वाला है, वो है इसका जो है पासवर्ड्स का। तो यहाँ पे दोस्तों, इसके फीचर्स की भरमार है। चलिए प्लस बटन पे टैप करके देख लेते हैं कि फीचर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके सारे फीचर्स को, और वो भी वन बाय वन। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले फीचर्स की, जो कि है प्रिवेसी। तो प्रिवेसी में आप जाके अपने ऑनलाइन स्टेटस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लू टिक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, सेकेंड टिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइटिंग स्टेटस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, ब्लू माइक्रोफोन, और सारे के सारे जो है फंक्शंस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके थ्रू आप लोग लास्ट सीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उन सब पर मैंने एक एक करके वीडियोस बना के रखे हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लू टिक में आप इसके जो है व्हाट्सएप के ब्लू टिक को बंद कर सकते हैं, यानी कि जब भी कोई आपके आपको मैसेज भेजेगा तो उनके ब्लू टिक नहीं आएगा, ना ही सेकेंड टिक आएगा, और ना ही आप उन्हें ऑनलाइन दिखाएंगे, लास्ट सीन पुराना वाला दिखाई देगा। अब चलिए इसके और बात कर लेते हैं। जीबी सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जो है कुछ और जो मिलेगा वो है पॉपअप नोटिफिकेशन विजेट और लॉक, यानी कि आप इसके जो है इस पर लॉक भी लगा सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के बिल्ट इन लॉक जो है लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने 0000 पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या ये लॉक स्क्रीन काम करेगा। तो चलिए, तो जैसे ही मैं व्हाट्सएप को दोबारा ओपन करता हूँ तो ये लॉक स्क्रीन आ जाती है और ये लॉक के लिए पूछने लगेगा, जो कि काफ़ी एडवांस फीचर है। अब चलिए बात करते हैं चैट लॉक की। तो दोस्तों, इसके थ्रू आप लोग चैट को भी लॉक कर सकते हैं। तो चलिए तो इसके लिए करना क्या होगा, मैं आपको दिखा दूँ। कोई भी चैट ओपन कीजिए और फिर लॉक चैट पर क्लिक कीजिए, और फिर इनेबल पासवर्ड पर क्लिक करके आप लोग पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस चैट लॉक की। तो दोबारा इस चैट लॉक के एंटर होने के लिए आपको पासवर्ड लगाने होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार आप पासवर्ड लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने चैट पे क्लिक किया, उसके बाद आपको सिंपली पासवर्ड टैप करने होंगे। ओके दोस्तों, अब इसके और एडवांस फीचर की हम लोग बात करते हैं। ओके, तो कस्टम चैट्स, यहाँ पर आप जो है उनकी प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं। ओके, चैट की, तो जो कि है मैसेज शेड्यूलर, यानी कि हम लोग इसके थ्रू कोई भी पर्सन को मैसेज सेंड करना है उसे हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि इस परफेक्ट टाइम पे ये मैसेज जो है किसी को सेंड करना है वो सब हम लोग मैन्युअली सेट कर सकते हैं, और अपना मैसेज जो है उसी टाइम पे किसी के पास चला जाएगा। अब चलिए इसके और इंटरेस्टिंग फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी लंबी लिस्ट के साथ आते हैं, वो है इसके अंदर ही। तो चलिए जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ओपन लॉग पे क्लिक करते हैं। तो ओपन लॉग पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कब आपके फ्रेंड ने क्या किया और कब आपके फ्रेंड ने कौन सा स्टेटस वगैरह क्या क्या जो है चेंज किए। तो मैंने आज ही इसको जो है रीस्टोर करके लगाया है, तो मेरे जो है बहुत कम आने वाले हैं लॉग्स। और अगर आप पहले से इसे यूज़ कर रहे हैं और लॉग्स देखेंगे तो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, कब किसने क्या किया। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इस। ओके, तो कोई बात नहीं, यह ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सारी लॉग्स आ चुकी है कि कब किसने क्या किया। तो चलिए, ओम चौधरी प्रोफाइल फ़ोटो अपडेटेड ऑन 17:45:39, यानी कि इन्होंने जो है 5:45:39 पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को जो है चेंज किया। ये उन खुद को भी पता नहीं होगा कि उनका टाइमिंग क्या रहा होगा। ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है कि कब किसने क्या किया। अब बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। तो पॉपअप नोटिफिकेशन आप जो है उसे भी यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कैसी डिस्प्ले होनी चाहिए, कैसा कुछ होना चाहिए। मेन चैट स्क्रीन को भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं चैट हेडर की। तो यहाँ से आप चैट हेडर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
तो मैंने चैट हेडर को कस्टमाइज़ किया। इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा देखिए, तो चलिए बैक स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पहले व्हाट्सएप लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मेरा नाम दिखाई हुआ दे रहा है, सागर। तो चलिए अब बात करते हैं इसके और एक एडवांस फीचर की जो कि इसके अंदर है, चलिए विजेट्स में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांस वाले विजेट की जो कि है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों जब चाहूँ मैं अपने को ऑनलाइन या ऑफलाइन दिखा सकता हूँ। तो चलिए मेरे को सिंपली एक विजेट ऐड करना होता है विजेट मेन्यू में जाके, तो मैंने ऑलरेडी इसे करके रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली दिखा देता हूँ आपको। आपको सिंपली व्हाट्सएप के इस वो आइकन पे टैप करना है और अब आप जो है अपने सारे फ्रेंड्स को ऑनलाइन शो करेंगे, जब चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो या ना कर रहे हो। जब आप इस पर अगेन टैप करेंगे तो उसके बाद आप सबको ऑफलाइन दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये था इसका और भी इंटरेस्टिंग सा फीचर। ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद देख पाएंगे। मुझे लगता है ये फीचर्स आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। और इसका यूआई का जो फीचर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस प्रकार इसकी थीमिंग को चेंज कर सकते हैं। मैंने इस थीम को अप्लाई कर दिया है जो कि मैंने बिना देखे ही अप्लाई किया। ओके, अब मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ व्हाट्सएप को। अब आप देखेंगे कि पूरी की पूरी थीम जो है वो यूआई चेंज हो चुकी है और सारे फीचर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से आप जो है डायरेक्ट मैनुअली सेंड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप जो है और सेंड कर सकते हैं और नीचे भी ऑप्शन दिखाई देने लगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस ऐप की। अब बात करते हैं कि और इसके अंदर क्या है। तो नॉर्मल व्हाट्सएप के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं और ये सारे फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं। जीबी सेटिंग्स में अंदर जाने के बाद आपको और भी बहुत सारी थीम्स मिलने वाली हैं और पॉपअप नोटिफिकेशन की किस यूज़र का कैसा नोटिफिकेशन आपको चाहिए वो सब कुछ आप जो है चेंज कर सकते हैं। और ऐप का फ्रंट भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ से फॉन्ट्स चेंज करना चाहें तो मैं ऐसे फॉन्ट्स जो है लगाना चाहूँगा, तो ये सारे के सारे फॉन्ट्स आप जो है चेंज हो जाएंगे। चलिए ऐप रीस्टार्ट होता है, देखते हैं कि फॉन्ट्स कैसे लगने वाले। तो देखिए ये सारे फॉन्ट्स जो है वो चेंज हो चुके हैं अब। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने एक वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इसके जो है डिटेल में रिव्यू के मैंने अलग अलग फीचर्स के अलग अलग वीडियो बना के रखे हैं, उन सब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका एक और इंटरेस्टिंग सा फीचर था जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो कॉल बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कीबोर्ड भी पाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जाके सिंपली नंबर डायल कर लीजिए जो कि व्हाट्सएप पे उपलब्ध है, और फिर सिंपली कॉल बटन प्रेस करके आप जो है इसे कॉल कर सकते हैं और सिंपली मैसेज बटन पे क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि था व्हाट्सएप के एडवांस्ड वर्जन व्हाट्सएप जीबी के बारे में। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे और भी सारे वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही है और आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।